बैतूल में यात्री बस खाई में गिरने से आधा दर्जन यात्री हुए घायल, स्टेयरिंग लॉक होने से हुआ हादसा। बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक यात्री बस खाई में उतरकर पेड़ से टकरा गई, जिससे आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। वही घटना के बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री के किसान कर्ज माफी योजना पर दलालों की नजर, किसानों को चूना लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार के वचन पत्र में किसान कर्ज माफी की बात किसान तक अभी ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि इस योजना के तहत रतलाम में दलाल सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के सैलाना नगर में देखने मिला, जहां आलमिया डोकला के किसानों ने पंजाब नेशनल बैंक शेरू कुमावत नामक बैंक रिकवरी एजेंट पर गंभीर आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि बैंक के एजेंट के द्वारा कर्ज माफी के नाम पर करीब 7,000 रुपए लिए, लेकिन किसानों ने इसकी जानकारी विधायक को भी दे दी, जिससे विधायक ने पुलिस को इस मामले की जानकारी देते हुए आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया। फिर हमने बोला कागज ले जाओ सर आप, और पैसे बाद में दे देंगे। आप कहाँ लेके गए उसको उसके बाद में? हाँ, तो इसके बाद इनको बोला, वो बोले कागज में नहीं ले जाऊंगा, पैसे और कागज साथ में ले जाऊंगा। अभी कहाँ पर है वो, कहाँ लेकर आए थे उसको? अभी सैलाना बुलाया था हमको, फोन लगा के सैलाना आ जाओ आप। कोई कार्रवाई करवाई आपने? हाँ, तो सैलाना आके फिर यहाँ थाने से कार्रवाई करी, थाने में इसको लेकर आए। हाँ, कौन कौन आया था इस समय आपके साथ में? जो मेरे साथ थे दो जने और थे। क्या शिकायत क्या दर्ज करवाई आपने? हमने कर्ज माफी के माना रिश्वत लेना। रिश्वत लेने की? कितने रुपए? 7,000। कौन से बैंक से आया था ये? पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ पर? रतलाम। कर्जा माफी के नाम से दलाल लोग सक्रिय हो गए थे, और मैं हर जगह भाषण में बोला था, मैंने हर जगह मेरी आभार रैली हुई उसमें हर जगह मैंने भाषण में बोला था कि ऐसे दलालों से हमको सावधान रहना है। कोई भी, मैं हर किसान से मैंने आह्वान किया था कि कोई आपसे किसान का आपका अगर कर्जा माफ करने के नाम पे कोई पैसा मांगे तो मुझे बताए। तो मेरे पास सुबह सुबह आज ये 5-6 लड़के हमारे आमलिया डोल कला के आए, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई साहब, हमारा कर्जा माफ करने के लिए क्या 5-7 हज़ार रुपये लगेंगे? उनका किसने कहा? क्योंकि एक आदमी रतलाम का पंजाब नेशनल बैंक का है, वो कह रहा है कि 5-7 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे, आधार कार्ड वगैरह। 2 लाख रुपए किसानों के माफ करने की कोशिश उस योजना के नाम पे और धमका कर पैसे ठगने की का प्रयास का ये प्रकरण है। पूर्व में भी ऐसी सूचना मिली थी क्या आपको? नहीं नहीं, ये तो चूंकि प्रथम बार ही ये सूचना आई है, जिसमें लोग ये लोग लेके आए हैं। क्या नाम सर आरोपी का? शेरू कुमावत, इसमें नाम होता है पीपल खोटा का जी, हमारा बिलपाल क्षेत्र का व्यक्ति है जी, और पुलिस द्वारा इसमें प्रथम दृष्टया 420-511 का अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कौन सा बैंक का है? सामान्य पूछताछ में क्या बताया इसने? सामान्य पूछताछ में ये बताया कि पंजाब नेशनल बैंक का रिकवरी एजेंट है। देवास में दूसरे दिन भी पाला और ठंड का भारी असर, मौसम का मिजाज बदलने से खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ रहा बुरा असर। देवास जिले में ठंड के कारण शनिवार को पाला गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ था, तो वही दूसरे दिन रविवार को भी पाला गिरने से जगह जगह फसलें नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे खेतों में लगी सब्जी भाजी और अन्य फसलें पूरी तरह खेतों में भीग गई है। सबसे अधिक मार आलू और टमाटर की फसलों पर दिखाई दे रही है। देवास जिले के बागली में भी कमोबेश यही हाल है। पाला की मार से फसलों ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। यहाँ पर खेतों में फसलों के ऊपर बर्फ की परतें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वही किसान नुकसान के एवज में भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। तो नुकसान इतना हो गया कि बहुत ज्यादा। कितने बीघा जमीन है आपकी? हमारी जमीन है 15-16 बीघा जमीन है, तो उसमें टोटल गेहूँ है और 2 बीघा के प्याज है। तो प्याज के भी जो पत्ते हैं
वो ऊपर से सब बर्फ जम गई थी तो फसल वो भी खराब हो गई। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाएगा तो हमारी मतलब कि थोड़ी राहत मिल जाएगी, नहीं तो फिर आफत है सर पूरे साल। आपके पास टोटल जमीन कितनी है? टोटल जमीन सर हमारे पास 16 बीघा जमीन है। जिसमें से कितने का फसल का नुकसान हुआ है? इसमें से सर 1 बीघा जमीन में तो हमको पानी नहीं है तो उसमें तो हमने कुछ नहीं बोया, और बाकी जो भी बोया है वो सर नुकसान हो गया उसमें, और गेहूं की उम्बी भी निकल आई है तो उसमें भी टोटल नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से बालाल सब ऊपर से सब जल गए। अब देखिए। आपका नाम? सर महिपाल सिंह। जो तेज ठंड गिरी है तो क्या फसलों के क्या नुकसान हुआ उसमें? फसलों के बहुत नुकसान हो गया, करीब 60-70% नुकसान हो गया चने में, आलू में। अभी आलू को बहुत ज़्यादा दिखता है आलू, चने में अभी 2 दिन बाद मालूम पड़ेगा। क्या कैसे क्या, अभी कितना समय और था आलू की फसल पकने में? आलू का अभी 45 से 50 दिन की फसल हुई थी, बाकी अभी 1.25 महीना का और बाकी थे। क्या उत्पादन पे फर्क पड़ेगा इससे? उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ेगा, 60-70% का नुकसान हो जाएगा। और अभी जो होता है इसका जो बढ़ने का रहता है। और क्या क्षेत्र में और कहीं कहाँ कहाँ ऐसी क्षेत्र में अभी तक बागली, अमलदा ने ऐसे 5-7 गांव से अभी फोन आया, जैसे अल्डावदा जहाँ जहाँ भी अभी सूचना मिल रही है वहाँ वहाँ पे सब जले हुए बता रहे हैं। देखो तो सब नुकसान ही नुकसान हो गया हमारा तो। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा वावजा मिल जाए हमको तो काम धक जाएगा हमारा, नहीं तो दाढ़ की मजदूरी कर रहा है। अभी क्या कौन से फसलों का नुकसान हुआ आपका? ये चने सब जल गए बोए थे तो। और क्या क्या आपने लगाया था सर? चने गए जल गए, थोड़े से गेहूँ थे वो भी सब खत्म हो गए हमारे, और कुछ भी नहीं बचा बाकी। कितने बीघा जमीन थे आपकी? यही 125 बीघा है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपका नाम? वो जो उम्बी निकला है ज़्यादा रहे। पानी भी गया है। भोपाल के बेगमगंज इलाके में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस। बेगमगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का नाम कैलाश विश्वकर्मा है, जो भोपाल में फर्नीचर का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि युवक अपने गाँव सुल्तानगंज शनिवार को ही पहुंचा था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहडोल में बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ, आए दिन हो रही है घरों में चोरियां। शहडोल जिले के पपोद थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। यहां आए दिन चोरियां हो रही है जिससे लोगों में दहशत फैली हुई है। पपोद में हो रही चोरी जैसी अन्य वारदातों से ऐसा लग रहा है कि चोरों के हौसले बुलंद है। पचमढ़ी में -1 डिग्री पर पहुंचा तापमान, आम जनजीवन के साथ ही पशु पक्षियों पर शीतलहर का भारी असर। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में इन दिनों कड़ाके की ठंड गुलजार बन गई है। यहां का तापमान माइनस एक डिग्री तक पहुंच जाने से सुबह के समय मैदानों और तालाबों में बर्फ की चादर जम जाती है, साथ ही वाहनों और मकानों पर भी बर्फ की परतें दिखाई देती है। शाम होते ही पचमढ़ी को कोहरा अपने आगोश में ले लेता है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और शीतलहर से यहाँ पर पशु। We'll be right back.